हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द स्नेर। द स्नेर पोएम इज रिटन बाय द पोएट जेम्स स्टीफन्स। फर्स्ट वील रीड अलाउड द पोएम एंड देन वील हेड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट I cannot tell from where. But I cannot tell from where. He is calling out for aid, crying on the frightened air, making everything afraid, wrinkling up his little face. And he cries again for aid, and I cannot find the place. And I cannot find the place where his paw is in the snare. Little one, oh little one, I am searching everywhere. In this poem, the poet says that he hears a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Snare means a wire with a loop in which you can catch the animals. The hunters catch the animals. Snare का मतलब होता है जाल, एक जाल, रस्सी का जाल, जहां पर जो शिकारी लोग होते हैं वो जानवरों को पकड़ लेते हैं, धोखे से पकड़ लेते हैं। पहली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि को अचानक से एक आवाज सुने आता है, किसी के रोने की आवाज सुने आती है जो अचानक आती है, और वो आवाज होती है एक खरगोश की, और वो खरगोश एक जाल में फंसा हुआ है। खरगोश का जो पैर है, जो पॉ है, वो एक जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। कवि इन दो पंक्तियों में कहते हैं कि उन्हें फिर से वो रोने की आवाज आई है, पर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज कहाँ से आई, पर वो ढूंढ नहीं पा रहे कि वो रोने की आवाज किस जगह से आ रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर He is calling out for aid. कवि कहते हैं कि उन्हें आवाज आ रही है रोने की, पर फिर से वो कोशिश करते हैं ढूंढने की, पर वो ढूंढ नहीं पा रहे, और उन्हें एक ऐसी आवाज आ रही है रोने की, और वो आवाज में वो मदद मांग रहे हैं। He is calling out for aid. Aid मतलब help. उन्हें जो जो भी रो रहा है उसे मदद की जरूरत है। Crying on the frightened air, making everything afraid. जो आवाज है उससे ये पता चल रहा है कि जो भी रो रहा है, जो भी खरगोश रो रहा है, वो बहुत डर रहा है, और हर चीज उसके लिए बहुत डरावनी है, और उसको बहुत तकलीफ, जो खरगोश है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। Making everything afraid, wrinkling up his little face. सब चीज बहुत डरावनी है उस खरगोश के लिए, और उसका जो चेहरा है वो सिकुड़ते जा रहा, उतना उसे बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि खरगोश का पैर जाल में फंस चुका है, और जाल इतना सख्त है, टाइट है, कि वो उसे दर्द हो रहा है, और उसका चेहरा, जो खरगोश का चेहरा है, जो जाल में खरगोश फंस चुका है, और उसकी आवाज बहुत दर्द भरी आ रही है, और उसका चेहरा भी बहुत सिकुड़ चुका है दर्द की वजह से। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। और वो खरगोश फिर से मदद के लिए पुकार रहा है, वो रो रहा है, उसे मदद की जरूरत है, लेकिन कभी मदद के लिए वो जगह नहीं ढूंढ पा रहे जहां पर वो खरगोश बंधा हुआ या फंसा हुआ है। एंड आई कैनॉट फाइंड अ प्लेस वेयर इज पॉ इज इन द स्नेर। कभी फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं ढूंढ पा रहे जहां पर वो खरगोश का पैर जाल में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर। वो कहते हैं, ओ छोटे से प्राणी, तुम कहाँ फंसे हो? मैं हर जगह ढूंढ रहा हूं, पर वो मैं नहीं ढूंढ पा रहा, कोशिश करके भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो इस कविता में कवि हमें कहते हैं कि एक खरगोश है जो एक जाल में उसका पैर फंसा हुआ है, और वो कोशिश कर रहे कि जाल से अपने आप को मुक्त करा ले, और वो मदद के लिए आवाज दे रहा है, आवाज दे रहे हैं, रो रहा है, पर वो नहीं
ढूंढ पा रहे हैं, कभी उस खरगोश को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। थैंक यू।